अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेट से वैसे तो पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जहां पर बात आ जाती है गूगल से अर्निंग करने की, तो वहां पर ना हमें स्कैम एडवाइजर पे जाना पड़ता है, ना हमें ट्रस्ट पायलट पे जाना पड़ता है। क्योंकि हम सबको यकीन होता है कि अगर गूगल की बात आ गई है तो इसका मतलब है कि मुझे विड्रा भी मिलेगा, मेरी अर्निंग भी होगी और यहाँ पर एक रियल चीज होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ कि आप गूगल की मदद से, गूगल के ऊपर से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट है, कॉपी पेस्ट है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। गूगल से ऑनलाइन अर्निंग करने का बेहतरीन मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर टोटल काम कॉपी पेस्ट है। यहां पर मैं आपको एक एक चीज दोस्तों ट्रांसपेरेंट दिखाऊंगा, कंप्लीट सिखाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम गूगल से घर बैठे कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको 100% रियल कॉन्टेंट डेली मिलता रहता है। लेट्स मूव टू लैपटॉप स्क्रीन। जी फ्रेंड्स, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करनी है गूगल से। अब यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, वो आप पहले देख लें, उसके बाद आपको मैं ये काम समझाऊंगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम गूगल के ऊपर आ जाते हैं और गूगल के ऊपर हम एक चीज सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम सर्च करते हैं एलन मस्क की नेटवर्थ। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करते हैं, थोड़ा सा आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल रही है जो आपको एलन मस्क की नेटवर्थ बता रही है कि इस बंदे के पास कितना पैसा है, इस बंदे के पास कितनी नेटवर्थ है और इसके पास क्या क्या है, सारा कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.48 बिलियन एलन मस्क जो है वो एक साल के अंदर कमाता है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल गई। अब इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि जितनी भी वेबसाइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे गूगल के, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को मैं आपको सिमिलर वेब के ऊपर चेक कराता हूँ कि ये वेबसाइट महीने के कितने डॉलर कमा रही है और उसके बाद इसके पास महीने की कितनी ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर हम चले जाते हैं सिमिलर वेब के ऊपर, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आप नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 150 मिलियन की महीने की ट्रैफिक है इस वेबसाइट की। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली विजिटर जो है वो 50 मिलियन से भी ज्यादा है और यूनिक विजिटर जो हर महीने आते हैं वो 15 मिलियन से ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो इस वेबसाइट को मिल रही है वो मिल रही है इंडिया से, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर कैनेडा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि इनको व्यूज कहाँ से मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल सर्च से 75% व्यूज जो है वो इस वेबसाइट को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमने सर्च किया एलन मस्क। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी बंदे की दोस्तों आप नेटवर्थ सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर बिल गेट्स की कर सकते हैं या उसके बाद जो भी आपको लगता है कि यार बहुत पैसे वाला बंदा है उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। याद रख सकते हैं यहाँ पर फोर्ब्स बिलियनर्स की लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर भी किसी ना किसी बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम इसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखेंगे, ये काम तो हमसे होता नहीं है। दोस्तों ये काम एक कॉपी पेस्ट काम है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके ऊपर गए और अब हमने करना है चैट जीपीटी के ऊपर कॉपी पेस्ट काम। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अर्निंग कहाँ से आएगी, विड्रा कैसे होगा, ये चीजें भी बताऊंगा। अब यहाँ पर हमने जाकर सर्च करना है सेम यही कीवर्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने इसको बताया है कि एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो आप मुझे बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए एक बेहतरीन आर्टिकल टाइप कर रहा है। 1000 वर्ड्स का मैंने इसको कहा है कि आप मुझे आर्टिकल लिख के दो एलन मस्क के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है और यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट आर्टिकल आपको मिलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे हमने अर्निंग कैसे करनी है। बहुत ही अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो लाइफ टाइम आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी और अब आपने आ जाना है यहाँ पर ब्लॉगर के ऊपर। ठीक है, अब ब्लॉगर के ऊपर आप लोगों को अगर वेबसाइट बनाने का नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक कोर्स बनाकर रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने ब्लॉगर के ऊपर अर्निंग करने का, वेबसाइट बनाने का सारा प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पर आपको मेरी प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर ये जो आर्टिकल हमने यहाँ से लिखा था इसको आपने कर देना है कंट्रोल भी इस जगह के ऊपर। ठीक है, और ये आर्टिकल हमारा इस जगह के ऊपर पेस्ट हो चुका है। अब इस आर्टिकल को सिर्फ आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने इसको सेट करना है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो इसकी डिटेल वगैरह है वो आपने इसके अंदर दोबारा से एड करनी, उसके बाद जो इसकी हाईलाइट मेन हमारी है वो आपने यहाँ पर एड करनी, जिस तरह ये हमारा मेन कीवर्ड है तो इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, और कॉपी करके इसको भी आपने यहाँ पर पोस्ट के अंदर ले जाना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइटल। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ पर यही वाला टाइटल आपने कॉपी करना है और ये आपने इसके अंदर आर्टिकल के अंदर दो तीन जगहों पे पेस्ट कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसी तरह के आपने दोस्तों आर्टिकल लिखने, कभी आपने एलन मस्क के ऊपर लिखना है, कभी आपने अपने बिल गेट्स के ऊपर आर्टिकल बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली दोस्तों आपने जाकर गूगल के ऊपर सर्च करना है 100 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एलन मस्क भी नजर आ रहा है, जेफ बेजोस भी आ रहा है, उसके बाद वॉरेन बफेट भी आ रहा है, बिल गेट्स भी आ रहा है, और ये मुकेश अंबानी भी आ रहा है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो 100 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है इस टाइम। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। आपने क्या करना है कि सिंपली इन लोगों को टारगेट करना है और हर बंदे के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिख देना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया कि किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है, उस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है इनके ऊपर। अब आपने लेनी होगी उसके बाद दोस्तों एडसेंस अप्रूवल। अब एडसेंस अप्रूवल के लिए दोस्तों जरूरी है कि ये जितने भी आप आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, ठीक है, इनको आपने ह्यूमन टच देना है। अब ह्यूमन टच कैसे देना है, यहाँ पर ये आपको जैसे इसका टाइटल नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने बोल्ड करना है, उसके बाद पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके इसको हेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह के जितने भी मतलब यूनिक कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से एडिटिंग करते रहनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये वाला कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको दोबारा हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि इस वाले हेडलाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर इसको रखा, और इसको आप कर दें मेजर हेडिंग। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों आपने क्या करना है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आर्टिकल के अंदर एड करता रहना है, ताकि आप लोगों को एडसेंस की अप्रूवल मिल जाए। अब अगर एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलती तो उसका अल्टरनेट मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने दोस्तों चले जाना है एडसेटेरा के ऊपर। ठीक है, अब एडसेटेरा के ऊपर मैंने कंप्लीट एक कोर्स बनाया हुआ है, आपको मेरी प्लेलिस्ट जो यूट्यूब चैनल की उसके अंदर जाएंगे तो ब्लॉगर प्लस एडसेटेरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या करना है कि वो वीडियोस आपने देख लिया, आप उनको समझ आ जाएगी कि वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे, उसको हम एडसेंस से अप्रूव या इससे ब्लॉगर से अप्रूव कैसे करवाएंगे। ठीक है, अब जब आपकी वेबसाइट ब्लॉगर से अप्रूव हो जाती है तो आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोड नजर आ रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप पहले वाली 2-3 मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कॉपी कोड को करना है, उसके बाद यहाँ पर एडिट व्यू के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अब इस पोस्ट को हम एडिट करेंगे। कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पर आप करें इसको HTML व्यू, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं और यहाँ पर किसी भी जगह के ऊपर, एक जगह के ऊपर रखें और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करें 2 दफा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर कंट्रोल वी करें, आपने वो कोड यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद HTML व्यू को आपने करना है कंपोज व्यू और यहाँ पर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जब आपने अपडेट कर दिया तो यहाँ पर ये पोस्ट हमारी लग चुकी है। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेरी पोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि एड, या देख रहे हैं गो एड है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एड शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो एड शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एड भी शो होगा, आपको इससे अर्निंग भी होगी। अगर आप इसको एडसेंस से अप्रूव करवा लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको इसके ऊपर सिमिलर वेब के ऊपर दिखाया कि इस टॉपिक के ऊपर कितनी ज्यादा सर्चेज हैं और कितने ज्यादा इसके ऊपर व्यूज आते हैं, आप घर बैठे इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।